हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुर्ती का ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे, तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। ये जुड़ी हुई साइड है। टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 14.5 इंच। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच इस तरह। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप दे देना है। अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल है और 1/2 इंच अंदर से हम एक और आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। अभी हम नेक लाइन मार्क करेंगे, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 6 इंच फ्रंट के लिए, और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। यहाँ पर भी हमें 3 इंच लेना है और एक बॉक्स बना लेना है और राउंड शेप दे देना है हमें फ्रंट नेक के लिए, और बैक नेक के लिए भी हम राउंड शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव कट करेंगे, तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है 9 इंच का। जितना आपका आर्म होल है उसमें 2 से 2.5 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव की लेंथ मैंने ली है 15 इंच। अभी यहाँ ओपन साइड से हमें 3 इंच में मार्क करना है और यहाँ से हम स्लीव का शेप देंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर स्लीव बॉटम लेना है, तो स्लीव बॉटम मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है और अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। अभी हमें इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर 1/2 इंच अंदर से मार्क करते हुए हमें फ्रंट स्लीव कट कर लेना है। अभी हम बॉटम पार्ट कट करेंगे, तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। ये 2 मीटर कपड़ा है, इसे हम ट्राइंगल में फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे ट्राइंगल में फोल्ड कर लेना है। तो देखिए हमने फोल्ड कर लिया है। ये जुड़ी हुई साइड है और ये ओपन साइड है। अभी जो हमने टॉप पार्ट कट किया था, इसे हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर कमर का निशान लगा लेंगे। इस तरह अभी हम बॉटम पार्ट की लेंथ मार्क करेंगे, तो ये कपड़ा हमारा यहीं तक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कितना है। तो ये हमारा है 25 इंच तक, हम 25 इंच तक ही लेंगे। और इस तरफ हम 32 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से अभी इन दोनों पॉइंट्स को हम राउंड शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा शेप आएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो देखिए हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए 2 पार्ट्स है, ये देखिए। अभी हम
स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो इसे हम सेंटर से कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर लेना है। अभी हम इस पार्ट को फिनिश करेंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड के लिए भी हमने स्ट्रिप ली है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी हम स्ट्रिप को अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे। इस तरह से दूसरी साइड की भी स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमने स्ट्रिप को फोल्ड कर दिया है। अभी हमने एक और स्ट्रिप ली है, इसकी चौड़ाई हमने ली है 2 इंच। इसे हम बीच में रखेंगे और ये हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट है, तो लेफ़्ट वाला पार्ट हम स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। देखिए हमने स्ट्रिप पे अटैच किया है। अभी राइट वाला पार्ट हम स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे इस तरह से। अभी हमने एक डोरी बनाई है पतली, इसके हम छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे लूप्स बनाने के लिए। तो देखिए हमने पीसेस कट किए हैं। अभी हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके अंदर रखेंगे। इस तरह से सारे लूप्स हम अटैच कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर लूप्स अटैच कर लिए हैं और इस तरह के हमने गोल्डन बीड्स लिए हैं, इन्हें हम इन लूप्स के बीच में स्टिच करेंगे। अभी हम नेकलाइन फिनिश करेंगे। तो इसके लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। बाद में हम यहाँ पर हैंड स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने स्ट्रिप को फोल्ड करके नेकलाइन बना ली है। अभी ये हमारा बैक का पार्ट है, तो बैक नेक के लिए भी हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और नेक के शेप में सिलाई लगा देंगे और उसके बाद में हम स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट नेक बनाया है उसी तरह से हम बैक नेक भी बना लेंगे। तो देखिए हमने बैक नेक बना लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे। देखिए शोल्डर अटैच करने के बाद में हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रख देना है और इस तरह से स्टिच करके स्लीव को अटैच कर लेना है। इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी अटैच कर लेंगे और स्लीव के बॉटम में हमें डबल फोल्ड कर देना है। देखिए हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी हम टॉप और बॉटम को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हम बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रख देंगे और सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। इसी तरह से बैक पार्ट भी अटैच करेंगे। देखिए हमने टॉप और बॉटम अटैच कर लिया है। अभी हम इसे उल्टा करेंगे और स्लीव से लेके बॉटम तक हमें फिटिंग कर लेना है और इसके बॉटम में हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।